अरे भाई, इस समय तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और साथ ही साथ नहाने का मन तो नहीं कर रहा है। बालों में खुजली भी हो रही है, 2 दिन से नहाया नहीं। यार मुझे क्या करना चाहिए? चलो अपने दोस्त के पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अरे भाई सुनील, ये बताओ, मेरे बालों में खुजली हो रही है यार, मैं क्या करूं? अरे भाई, ड्राई शैम्पू यूज कर लो ड्राई शैम्पू? यार। भाई ये ड्राई शैम्पू क्या होता है यार? चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि ये ड्राई शैम्पू क्या है और ये अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है। ड्राई शैम्पू की बात करें तो यूएस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक ऐसा शैम्पू है जिसे आप बिना नहाए इसे लगा लोगे बाल में तो बढ़िया तरीके से आपका बाल साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि अभी के समय में जो भी व्यक्ति इस शैम्पू का यूज कर रहे हैं उनको कैंसर हो जा रहा है। अब बात आई कि सर कैंसर हो क्यों जा रहा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस ड्राई शैम्पू में 70% बेंजीन पाए जाने के कारण लोगों को कैंसर हो जा रहा है। और अगर ब्रांडेड की बात करें कि कौन कौन से वो ब्रांड है जहां पे इसमें 70% लगभग बेंजीन पाया जा रहा है, वो है नॉट योर मदर्स एंड डव शैम्पू। जो आप लोग डव शैम्पू लगाते हो ना, तो उसका ड्राई शैम्पू यूज करोगे तो उसमें लगभग 70% जो है बेंजीन पाया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण लोगों में क्या हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। इस बेंजीन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बेंजीन एक रासायनिक पदार्थ है, इसका रंग हल्का पीला है। यह कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल ज्वालामुखी इरप्शन जो होता है वहां से, आग कहीं फायर लगा हुआ है उसमें, ठीक है, गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है धुआं उसमें, फेविकोल सिक्रेट आदि जगहों पे पाया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम रहती है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। जैसे लोग सिक्रेट पीते हैं ना, तो उसमें भी बेंजीन होता है बट उसकी क्वांटिटी कम होती है जिससे समस्याएं कम होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बेंजीन क्या है और यह किस तरीके से एक कैंसर का कारण बनता है। जय हिंद।